आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WhatsApp पर जीबोर्ड कैसे लगाएं या फिर WhatsApp पर गूगल कीबोर्ड कैसे सेट करें। तो इसके लिए अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर ओपन करिए। ओपन करने के बाद ऊपर आपको सर्च करना है जीबोर्ड। उसके बाद चेक करिए अगर आपके फ़ोन में जीबोर्ड डाउनलोड नहीं है तो इसे अपने फ़ोन में डाउनलोड करिए। अगर पहले से डाउनलोड है तो यहाँ से बाहर आइए। वैसे ज़्यादातर फ़ोन में ये पहले से डाउनलोड होता है, बट अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो इसे डाउनलोड करिए। उसके बाद अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए, नीचे स्क्रॉल करिए, नीचे आकर एडिशनल सेटिंग्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। ऊपर लैंग्वेजेस एंड इनपुट आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद ये वाला पेज आपके सामने आएगा। अगर सेटिंग में ये नहीं मिलेगा तो सेटिंग्स ओपन करने के बाद ऊपर सर्च सेटिंग्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद टाइप करिए इनपुट। उसके बाद आपके सर्च में ये आ रहा है तो इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। अब नीचे मैनेज कीबोर्ड आएगा, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे जीबोर्ड आएगा, अगर आपका ये ऑफ है तो इस पर क्लिक करिए और इसे ऑन करिए। इसे ऑन करने के बाद बैक आइए। बैक आने के बाद करंट कीबोर्ड आएगा, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जीबोर्ड आएगा, इस पर क्लिक करिए। जीबोर्ड पे क्लिक करने के बाद जीबोर्ड को सेलेक्ट करने के बाद अब जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर WhatsApp में जीबोर्ड आ रहा है। तो यहाँ पर ये WhatsApp के लिए ही नहीं है, आपके पूरे फ़ोन में जीबोर्ड काम करेगा। तो इस तरीके से WhatsApp में जीबोर्ड सेट करें। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।